अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक और अच्छी कंपनी की वैकेंसी जो कि अली अमामा कंपनी के नाम से जाने जाता है। अली अमामा कंपनी सऊदी अरबिया की कंपनी है जो कि ऑयल गैस प्लांट कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। इसकी क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में है 3 अक्टूबर 2023 को। तो देख सकते हैं कुछ कैटेगरी के वांट आए हैं, तो मैं बताऊँगा आपको। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपको पता ही एस्केप कर दें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या वांट है, कितनी सैलरी लगाई गई। और देख, सबसे ज़रूरी बात, देख सकते हैं इसमें मेंशन भी किया गया है कि कहाँ इंटरव्यू है, एड्रेस मेंशन किया गया है। जो भी बंदा को इसमें जाना चाहते हैं एड्रेस के, इस पर जा सकते हैं, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। अगर ऑफिस का नंबर चाहिए आपको तो कॉमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिस का नंबर। तो ऑफिस के जरिए आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करा के जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ कैटेगरी है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अली अमामा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है सऊदी अरबिया की। बहुत से बंदे इसको जानते होंगे जो गल्फ़ में रहते होंगे, सऊदी अरबिया में रहते होंगे, उनसे पूछ भी सकते हैं आपको अली अमामा के बारे में। अच्छा मैनेजमेंट है, आपको जो है खाने का खुद से बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपनी की तरफ से खाना नहीं है, आपको उसका खाने का 200 रुपया दिया जा रहा है, इसमें मेंशन भी किया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पाइप फिटर है, 1300 से 1800 रुपया से ले लगेगा। ऐसा इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि फ्रेशर या रिटर्न को भी बनते इसमें ट्राई कर सकते हैं, अच्छा मौका है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, 1300 से 1800 रुपया कम नहीं होता है। जो भी बंदा 1300-1800 के बीच में कन्फ्यूज ना हो, जो बाहर रहने वाले उनको पता ही रहता है कि जैसा इंटरव्यू फेस करेंगे उस हिसाब को आपको सैलरी दिया जाएगा। तो सिर्फ 1300 से लो प्राइस यानी कि लो सैलरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1800 रुपया लगा जाएगा, प्लस 200 रुपया आपको पहले बता दिया गया कि खाने का दिया जाएगा। तो देख लें। और चलिए मैं दूसरा बताता हूँ, पाइप फैब्रिकेटर मैकेनिकल पाइपिंग 1700 से 2200 इसका सैलरी है, जैसा कि 200 रुपये आपको खाने का इसमें मेंशन किया गया है। जो भी कैटेगरी के बंदे इसमें जाना चाहते हैं सबको खाने का 200 रुपये ही दिया जाएगा। तो कंपनी का पॉलिसी है, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन 200 रुपये में तो खाना, मैं अपने पर्सनली से बता सकता हूँ कि 200 में तो आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपको सैलरीज के बीच में से लगाना पड़ेगा। ओवर टाइम भी रहता है अली अमामा कंपनी में, पूछ भी सकते हैं आप किसी से, दोस्त रिश्तेदार जो भी रहते होंगे सऊदी अरबिया में, अली अमामा में ओवर टाइम अच्छा खासा रहता है, सैलरी भी ठीक ठाक है। देख सकते हैं वेल्डिंग पाइपिंग 6G वेल्डर चाहिए, 1800 से 2300 वेल्डर का सैलरी तो लगता ही है। सीट मैकेनिकल फैब्रिकेशन है, देख सकते हैं 1700 से 2000 सैलरी इसका भी है। पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर है, पाइपिंग सुपरवाइजर का 35 से 4000 रुपया सैलरी लगा, इसका भी 200 रुपया मेंशन किया गया है खाने का। तो देख ले अपने। दूसरा जो है पाइपिंग फोरमैन है, पाइपिंग फोरमैन का भी जो है सैलरी अच्छी खासी लगाई है, 2500 से 3000। फोरमैन इंस्टॉलेशन पाइपिंग सपोर्ट है, 2300 से 2800 इसका भी सैलरी लगाया गया है। मैकेनिकल फोरमैन है, मैकेनिकल फोरमैन का जो सैलरी बहुत अच्छा है, जो भी मैकेनिकल से रिलेटिव हैं 3300 से 3700 रुपये लगाया जाएगा। ज़्यादातर सब जो भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं आपको 200 रुपये या खाने की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। रेमिनेटर FRP है, देख सकते हैं पंप ऑपरेटर हैं, पंप और मैकेनिकल टेक्नीशियन, पंप ऑपरेटर में जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन जो है उनके लिए है, दोनों मेंशन किया गया है 2000 से 2500 इसका भी सैलरी है। रीगर है, 3 नंबर रीगर है, 2500 से 3000 रुपया सैलरी इसका भी है। आराम को अप्रूवल चाहिए रीगर के लिए, देख सकते हैं सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है कॉमेंट पूछ सकते हैं। बाकी ऑफिस का जो नाम है, ऑनलाइन ऑफिस के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही एड्रेस मेंशन किया गया है। बोल्ड ट्रैकिंग टेक्निकल है, 2000 से 2500 इसका भी सैलरी लगाया गया है। तो हर कैटेगरी का वांट है, इसमें अच्छा खासा सैलरी भी लगाया गया है। और मैं बता दूं आपको कि जो कैंडिडेट जो भी है इसमें, जो कंपनी के तरफ पॉलिसी है ITI डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री रिलेटिव फील्ड, यानी कि आपको सेम फील्ड जो भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं सेम फील्ड का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गल्फ एक्सपीरियंस प्रीफाइड, यानी गल्फ एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छा मौका है। तो फ्रेशर आदमी भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा हमको बताया गया है, लेकिन जो गल्फ रिटर्नर जो रहेंगे उनके लिए पहले यानी सिलेक्शन होगा, पहला इंटरव्यू भी होगा, पहले सिलेक्शन होगा, अगर वो बच जाएगा तो आपको फ्रेशर को लिया जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी कैटेगरी है या कैंडिडेट या जो भी आप कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है सब आप देख सकते हैं।
फिर मैं रिमाइंड करा दूंगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छी अच्छी वैकेंसी डालता रहता हूँ। तो चलिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।